अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले के सबक में कौफ और कौफ की तीन कटे हुरूफ को अरबी की बुक में लिखा था। आज हम नोटबुक के अंदर कौफ और कौफ की कटे हुरूफ को लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की बॉक्स वाली नोटबुक में हमें सबसे पहले मुफ़रद हुरूफ कौफ को लिखना है, तो हमें इसी तरह मुफ़रद हुरूफ कौफ लिखेंगे। ये कौन सा हुरूफ है? कौफ मुफ़रद हुरूफ है। मुफ़रद हुरूफ कौफ को हम लिखेंगे, उसी के बाद कौफ की तीनों कटे हुरूफ को लिखेंगे। हमें यहाँ पर शुरू में आने वाली कौफ लिखना है, उसी के बाद एक बीच में आने वाली कौफ और एक आखिर में आने वाली कौफ से किर्द। तो हमने कौफ और कौफ की तीनों कटे हुरूफ को लिखा। इसी तरह हमें पूरा पेज भरकर क्या लिखना है? अरबी की नोटबुक में कौफ और कौफ की कटे हुरूफ को लिखना है। इसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे मुफ़रद हुरूफ कौफ, उसी के बाद हमें कटे हुरूफ लिखना है। तो हमने क्या लिखा? शुरू में आने वाली कौफ, एक बीच में आने वाली कौफ और एक है आखिर में आने वाली कौफ। इसी तरह हमें मुफ़रद हुरूफ कौफ फिर से लिखना है, लाइन के अंदर मुफ़रद हुरूफ के नीचे मुफ़रद हुरूफ, उसी के बाद हमें कटे हुरूफ लिखना है। तो यहाँ पर हमने शुरू में आने वाली कौफ लिखा, एक बीच में आने वाली कौफ से किर्द और एक है आखिर में आने वाली कौफ से किर्द। किर्द का माना है बंदर। तो हमें पूरा पेज भरकर नोटबुक में क्या लिखना है? कौफ हुरूफ को लिखना है। कौफ और कौफ की तीनों कटे हुरूफ को हम लिखेंगे। इसी तरह पहले शुरू में आने वाली कौफ लिखेंगे, एक बीच में आने वाली कौफ लिखेंगे और एक आखिर में आने वाली कौफ से किर्द लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हमें इसी तरह कौफ और कौफ की कटे हुरूफ को याद करना है। हमें पूरा पेज भरकर लिखने का मकसद ये है कि हमें हुरूफ यानी जो कटे हुरूफ है वो हमारे जहन में हुरूफ बैठ जाए, हमें समझ आ जाए कि हमें किस तरीके से कटे हुरूफ को लिखना है। तो हमें इसी तरह पहले मुफ़रद हुरूफ कौफ, उसी के बाद कटे हुरूफ लिखना है। अगर एक इम्तिहान के अंदर इस तरीके से पूछा जाए कि कौफ की या फा की कटे हुरूफ को आपको लिखना है, तो आपको इसी तरह मुफ़रद हुरूफ लिख कर दिए गए होंगे, आपको कटे हुरूफ खुद से लिखना है देखे बगैर। तो आपको अभी से कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें देखे बगैर याद हो जाए क्या कटे हुरूफ। कटे हुरूफ किसे कहते हैं, कटे हुरूफ क्या है, कटे हुरूफ कितने हैं, सभी चीजों हमें याद रखना है। क्या करना है? सभी चीजों को हमें याद रखना चाहिए। कौफ की तीन कटे हुरूफ है, कितने हैं? तीन। तो हमें ये कौन सी हुरूफ लिखा हमने? कौफ, कौफ से किर्द। इसी तरह हमें हुरूफ भी समझ में आएंगे और या कटे हुरूफ भी समझ में आएंगे कि मुफ़रद हुरूफ कौफ है, उसी के बाजू में हमने कटे हुरूफ कौफ को लिखा है। तो प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की नोटबुक में दो पेज भरकर होमवर्क करना है। दो पेज भरकर हमें कौफ और कौफ की तीनों कटे हुरूफ को लिखकर याद करना है। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा आज का सबक और आज का होमवर्क। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।